ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗ ਜੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਗਾਏ ਗੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਜੀ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਹਾੜੀ एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभा है, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ा है। छाज होती है घरों में, छाज, छाज पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं भाई लोग भी, बहनें भी, यूं यूं करके। और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं, और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाज अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाज है, अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं, अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी। और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी, आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं, प्रभु के नाम का सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरण करते जाएंगे, आपके अंदर विल पावर आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए, वैसे धर्मों में लिखा जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा
सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना होता है, सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे बहुत अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहेगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोक के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती, कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुणा बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है। तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक न एक दिन आपको जरूर हो जाएगी।